सीतापुर गांव में रोशनी और उसकी माँ रहा करती थी। रोशनी के पिता कुछ महीने पहले गुजर चुके थे, इसलिए घर की जिम्मा पूरा उसके ऊपर आ जाता है। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा तुम अपने लिए काम ढूंढ लो, वरना हमारा घर कैसे चलेगा। रोशनी बोलती है, ठीक है माँ। फिर रोशनी काम की तलाश में निकल पड़ती है। साथ में उसकी माँ उसे एक बैग दे देती है, जिसमें उसके लिए खाना भर देती है। बैग लेके रोशनी निकल पड़ती है। रोशनी काम की तलाश में निकल पड़ती है। रोशनी चलते चलते जंगल में पहुंच जाती है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता है। तो वो एक पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। फिर वो सोचती है, माँ ने जो खाना दिया है मैं खा लेती हूँ, मुझे तो भूख लग रही है। तो वो खाना खाने के लिए बैठ जाती है। तभी उसके पास एक चिड़िया सामने से उड़कर आती है। चिड़िया कहती है, मुझे खाना दे दो, बहुत दिन से मैंने खाना नहीं खाया है। फिर रोशनी अपने खाने में से एक रोटी चिड़िया को निकाल कर दे देती है। चिड़िया रोटी खा लेती है और रोशनी को धन्यवाद देती है, तुमने मुझे रोटी खिलाई है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगी वही दूंगी तुझे। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं लूंगी आपसे। आपका पेट भर गया, कुछ तो तुम्हें लेना होगा बेटा। मुझे श्राप दिया गया था, इसलिए मैं चिड़िया बन गई। मैं एक जिन हूँ, जिन के सरदार ने मुझे श्राप दिया था कि तुम चिड़िया बन के रहोगी कुछ सालों तक, जब तक तुम्हें कोई अपने हाथों से खाना ना खिलाए। नेक दिल इंसान, तुम बहुत ही अच्छी और प्यारी बच्ची हो, तुम्हें मैं कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहते ही चिड़िया अपना रूप बदल लेती है। रोशनी कहती है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो खाना खिलाया है वो भगवान ने ही खिलाया है, मैंने नहीं आपको खिलाया है। मेरा नसीब है जो मैं आपको खाना खिला सकती। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप अच्छे रहे और अपने लोग चले जाइए, इतना ही चाहती हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, वो दिए बगैर मैं जाऊंगा नहीं, तुम्हें वो लेना ही होगा। वो है जादुई घड़ा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, उसे लेकर तुम घर चली जाना। जैसे ही तुम घर चली जाओगी वो घड़ा सोने से भर जाएगा। ये लो जादुई घड़ा, इसे लेकर तुम घर चले जाना। जैसे ही तुम घर पहुँचोगी ये घड़ा सोने से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। ठीक है, तुम्हारी वजह से मुझे चिड़िया के श्राप से मुक्ति मिली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने लोग चला जाऊंगा और तुम अच्छे से रहना, तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे घड़ा दिया है। रोशनी से अलविदा लेकर जादुई जिन वहाँ से चला जाता है। फिर रोशनी भी जादुई घड़ा लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। माँ, ये देखो जादुई घड़ा, ये मुझे जंगल में मिला है, एक जादुई जिन ने दिया है, जिसे मैंने श्राप से मुक्त किया है, इसीलिए मुझे इनाम में ये दिया है। माँ, ये ईश्वर ने तुम्हें अच्छे कर्मों का फल दिया है बेटा, ऐसे ही जिंदगी में अच्छे काम करते रहना और हमेशा खुश रहना। रोशनी और रोशनी की माँ अपनी जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगे जादुई धन पाके। रोशनी और रोशनी की माँ ने अपने लिए अच्छा सा पक्का मकान बनवा लिया और दोनों उस घर में प्यार से रहने लगे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।